आठ आठ लाख में जिंदगी में नहीं होगा, यही पैसा लेकर के पदाधिकारियों से रिपोर्ट गलत करवा लेता है, मैनेज करवा लेता है, जब जांच करवाते हैं। फर्जी तरीके से जो चुनाव हुआ है, इसका चुनाव भी हम लोग रद्द करवाएंगे अब जल्द ही। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के दो जो अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी, उन पर पैसे लेकर जो है वो रणजी खिलाने का आरोप लगाए हैं। संजीव हैं, डॉक्टर संजीव, जेडीयू के विधायक हैं, कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? अरे मैं ही आरोप नहीं लगाया, 14 MLAs ने आरोप लगाया मेरे साथ। ध्यानाकर्षण, श्री ललित मंडल जी, श्री विजय कुमार जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, श्री राजकुमार सिंह जी, श्री मनोज यादव, श्री राहुल तिवारी, श्री विनय कुमार चौधरी, श्री छत्रपति यादव, अमरजीत कुशवाहा, श्री सत्यदेव राम, श्री विजय कुमार डब्लू सिंह, श्री विजय सिंह, इतने लोगों ने आरोप लगाया। और भाजपा ने ऐसे दलाल को, भ्रष्टाचारी को कोषाध्यक्ष बनाया है। अपने ऑडियो भी मैं सुनाया, मैं आपको भेज भी दूंगा, अच्छे से सुनिएगा कैसे डील कर रहा है ये तिवारी। 8 लाख, 10 लाख में खिलाएंगे, किसी से 40 लाख मांगता है। और देखिए, बिहार के बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ के हकमारी करके हर्ष विक्रम सिंह, अधिराज जौहरी, गौरव जोशी, कृष्ण कुमार यादव, वंशज शर्मा, मानिक शर्मा, सैकड़ों खिलाड़ियों को यहाँ पे पैसे के बल पे खिला रहा है। ये तो हत्या कर दिया क्रिकेट का बिहार में। और इसी कारण से ईशान किशन जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी बिहार छोड़ के, क्योंकि बिहार में वो मौका नहीं दिया, उनसे भी पैसे का डिमांड करता है ये, तो वो छोड़ के बेचारे झारखंड से खेल रहे हैं। कितना दुखद बात है हमारे लिए ये। तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच करने का मैं मांग किया सरकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय से, हमारे साथ 100 से ज़्यादा विधायक ने बोली कि हाँ, इनफैक्ट बहुत हर दल के विधायक ने बोला कि नहीं, ये गलत है, ये दलाल है, इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और यही पैसा लेकर के पदाधिकारियों से रिपोर्ट गलत करवा लेता है, मैनेज करवा लेता है, जब जांच करवाते हैं। इसलिए विधायकों का टीम बनेगा और इस पर जांच हम लोग करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। जो पदाधिकारी इसमें गड़बड़ करेंगे उनको भी अच्छे से उस पर कार्रवाई करेंगे और उनका भी उपाय कर देंगे। इस बार उसको सस्पेंड करवा रहे हैं, चाहे IAS हो, चाहे कोई हो, माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात गई है। हम लोग जांच करेंगे और कार्रवाई करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे जो भ्रष्टाचारी का साथ में देगा। आपने कहा कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ आकर खेलते हैं, उनके बहुत सारे आपने नाम का जिक्र किया, लेकिन जो बाहर के प्लेयर खेलते हैं तो क्या बिहार को, बिहार के जो प्लेयर हैं वो नहीं खेल पाते इन लोगों के वजह से? वही हो रहा है ना, बिहार के, यहाँ का आर्थिक स्थिति यहाँ के खिलाड़ियों का कमजोर है। अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन पैसे नहीं है तो नहीं खेल पा रहे हैं। ये तो जस्टिफाइबल रीजन नहीं होना चाहिए भाई। आप खेल का टैलेंट देखिएगा, सेलेक्टर सेलेक्ट ही नहीं करेगा, जो ये तिवारी मोटा बोलेगा वही सेलेक्ट करता है खिलाड़ी। आप उसको देखिएगा, अभी तो देखने से उसको बैट खुद ही बॉल लगता है, फुटबॉल जैसा, उसको बैट पकड़ने नहीं आता है और क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना हुआ है फर्जी तरीके से। आप कहिए कि हम बॉलिंग करते हैं, तुम एक भी टच कर दो बॉल को तो माने तुमको। तो ऐसे लोग जो दलाल किस्म के लोग यहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं और भाजपा ने उसे प्राइज दिया भाई, वहाँ भी पैसा दे करके कोषाध्यक्ष बना हुआ है, तो हर जगह तो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है और इनको भी प्रश्रय दे रहा है। अब बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है ये आदमी। इस पर मैं यही आग्रह किया हूँ सरकार से, जांच के उपरांत इस पर कार्रवाई हो। फर्जी तरीके से जो चुनाव हुआ है, इसका चुनाव भी हम लोग रद्द करवाएंगे अब जल्द ही, और उसके बाद नए तरीके से चुनाव होगा। बिहार के बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं, इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरीके से आपने सदन में आवाज़ उठाई क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन पर, बहुत दिन से वो अध्यक्ष बने हुए हैं, आप NDA के साथ भी थे तो अध्यक्ष थे, तो आज कैसे पता चला कि? अरे आज नहीं पता चला, ये आप देखिए, मैं ये कब से मैं लिख रहा हूँ, 2 साल से उस पर लगा हुआ हूँ कि ऐसे चोर को आप अध्यक्ष बनाए हुए हैं। लेकिन क्या है कि सिस्टम सरकारी जांच वांच का प्रक्रिया हर जगह डिले करा देता है। लोअर लेवल पे उसका दोस्त क्लर्क रहेगा, उसके पास जाके पैर पे लटक जाता है, कहीं रोने लगता है, तो मायावी है। और वो तो भ्रष्टाचारी लोग हर तरह से रहते हैं, कुछ 1-2 IAS को अपने उसमें चंगुल में रखा हुआ है, उसके यहाँ दलाली करता है। आपके पास कुछ एविडेंस है? एविडेंस है, अभी जब जांच होगा तो उसी के लिए तो कह रहे हैं, जब जांच होगा विधायकों द्वारा सारा एविडेंस लाएंगे। फोन में कुछ रिकॉर्डिंग आप रखे हुए हैं, कुछ हमारे दर्शकों को आप रिकॉर्डिंग सुनाइए, किस तरीके से बात वो प्लेयर्स के साथ करते हैं, देखिए हम सुनाते हैं। अब आप जानिए आप कहाँ से क्या करवा रहे हैं। भैया मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं सुनिए मुन्नू, ये कहीं से भी कोई आएगा ना भैया, कोई भी बेटा कहीं से आएगा, नाच के बॉसे के पास आएगा, बिल्कुल वो तो बात है, पर हाँ पर नहीं, 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 अब आप समझिए, हमको जो अभी रिपोर्ट आया मैं आपको सुना भी दूंगा, आप भी बोलिएगा। तो भैया आपकी आपकी इच्छा, तीन जगह
संजीव जी, ऐसे लोग जो है वो बिहार के जो प्लेयर है, बिहार के जो क्रिकेट है, वो बद से बदतर कर दिए हैं, बद से बदतर कर दिए। इसी कारण से देखिए यहाँ पे लोग अब परेशान हो गए हैं, यहाँ के लोग, मतलब यहाँ पे क्या बोला जाए। देखिए अब ये वाला देखिए, आप आठ आठ लाख में जिंदगी में नहीं होगा, समझिए एक्सेप्ट कर रहा है। 11 लाख 12 लाख रुपए रखे हुए हैं हम, और मेरे पर विश्वास नहीं रहता, इसीलिए मुझको भी आप पर विश्वास है। ये वो दलाल से बात कर रहा है तिवारी। चलिए देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी, उन पर बड़ा आरोप डॉक्टर संजीव ने लगाया। उन्होंने कहा है कि जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पैसे लेकर जो है राकेश तिवारी खिलाते हैं। अब बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डॉक्टर संजीव के साथ साथ 13 जो विधायक हैं उन्होंने आवाज़ उठाया है कि ऐसे जो लोग हैं जो क्रिकेट को लेकर बिहार के जो क्रिकेट है उसे बदनाम कर रहे हैं, उस पर जाँच होनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि आगे कुछ क्या निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हां, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूं। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।